लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे ये टॉपिक रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये रिडक्शन क्यों? ऐसे तो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में रिडक्शन था। एक्चुअली कंसंट्रेशन प्रोसेस से आप जो ओर्स निकाले हैं वो सल्फाइड हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, तो सेकेंड मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑक्सीडेशन में उसे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिए। और हमारा पर्पस मेटलर्जी में है मेटल को अलग करना। तो अभी आपके पास में मेटल ऑक्साइड है, तो इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन के रिमूव करने के प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। यानी कि आप डिफिनेशन लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड टू गेट मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये हम लोग तीन मेथड से पढ़ेंगे। पहला यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाई हीटिंग एलोन, फिर है बाई हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और थर्ड जो आज हम लोग को डिस्कस करना है वो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। थोड़ा सा पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसको लेकर के यहाँ चलते हैं। एक्चुअली मेटल को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल। वो ऑक्साइड जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल के हैं उन्हें रिड्यूज करना आसान है, सिंपल आप हीट कर दो। जैसे मरकरी के ऑक्साइड हों 2HgO, इन्हें आप हीट करो तो ये ब्रेक कर जाएगा Hg में और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल कैन बी रिड्यूस्ड इनटू मेटल बाय सिंपली हीटिंग। जो मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में ना तो लिस्ट है ना ही टॉप पर है, हाई रिएक्टिव है, तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट में आप कोई हाईली रिएक्टिव मेटल ले सकते हैं। जैसे अगर हमें आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस करना है तो आयरन से ज़्यादा जो भी रिएक्टिव मेटल है उसके साथ में आप हीट करो, वो रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कॉमर्शियली जो सस्ता पड़े, और इस कंडीशन में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। इसके एक्सट्रैक्शन में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ ये बन जाएगा 2Fe+3CO2, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 डाल दें। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उन्हें रिड्यूस करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट द इट इज यूज टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड विच मेटल इज इन टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि विच इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, उसे रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं, एल्यूमिनियम के ओर्स एलुमिना जिनका फॉर्मूला होता है Al2O3, इनको रिड्यूस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इन्हें रिड्यूस करने के लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जहां आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। इसके बॉटम पर ये अरेंजमेंट है कि अंदर के मटेरियल मेटल है उन्हें हम बाहर कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक का वॉल ग्रेफाइट का लेयर चढ़ा होता है, ग्रेफाइट इसलिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, यानी कि ये खुद कार्बन लाइनिंग कैथोड के रूप में काम कर रहा है। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, और कार्बन का ही रॉड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कई रॉड होते हैं कार्बन के, ग्रेफाइट रॉड भी आप कह सकते हो, जो एनोड के रूप में यूज होते हैं। यानी इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, यहाँ जोड़ दिया गया। अब एल्यूमिनियम को रिड्यूस करना है तो एल्यूमिनियम का मोल्टेन फॉर्म इसमें लेते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम का मोल्टेन फॉर्म लिया गया, और इसके साथ में यहाँ मोल्टेन एल्यूमिनियम है Al2O3। अब इसमें हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब मोल्टेन फॉर्म में लाओगे तो ये आयोनाइज कर जाएगा 2Al3+3O2- में। अब यहाँ ये डिपॉजिट हो गया Al3+, एल्यूमिनियम पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपॉजिट होगा, यानी कि यहाँ ये डिपॉजिट हुआ, और फाइनली इस रास्ते से ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम यहाँ पर निकल गया। अब दूसरा पार्ट इसके साथ में अभी भी बचा हुआ है, और वो पार्ट है इसका ऑक्सीजन। इसके बारे में कहता है कि यहाँ से ऑक्सीजन
ये इस एनोड पर डिपॉजिट होगा, अनायन डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ एनोड, और यहां से फिर ये बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म, CO2 के फॉर्म, यानी एल्यूमिनियम रिड्यूस्ड होकर कैथोड पर डिपॉजिट होता है और इलेक्ट्रोलिटिक टैंक से बाहर हो गया। ऑक्सीजन एनोड पर डिपॉजिट होता है और एनोड जो कि कार्बन रॉड है तो वहां से ये बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब इस जगह से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पहला ये हो गया कि यहां जो मोल्टेन एल्यूमिना यूज कर रहे हैं इसके साथ में एक और केमिकल सब्सटेंस लेते हैं क्रायोलाइट Na3AlF6। ये क्यों लेते हैं, वाई क्रायोलाइट इज यूज्ड, इसके पीछे का रीजन बताता है कि ये क्रायोलाइट इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है और इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो दोनों फायदा हो गया, कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाएगा और ज़्यादा आयोनाइज करेगा ये, तो पर्पस ही तो हमारा है कि आयोनाइज करेगा तो ये रिड्यूस करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि कार्बन एनोड को टाइम टू टाइम सर्टेन टाइम के बाद में चेंज क्यों करना पड़ता है। तो देखो आप यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, तो डिपॉजिट हुआ ऑक्सीजन लेकिन बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके साथ में क्या निकल रहा है, कार्बन, और कार्बन आया कहाँ से, तो इस एनोड से आया, यानी कि धीरे धीरे ये कंज्यूम होगा, थिकनेस कम होने लगेगा, तो इसे एक सर्टेन टाइम के बाद में निकाला जाएगा, फिर फ्रेश रॉड को डाला जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। यहाँ से जो एल्यूमिनियम निकल करके बाहर आते हैं वो ऑलमोस्ट प्योर होते हैं, अबाउट 99.9% प्योर होते हैं, यानी कि फिर से इनको रिफाइन करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो ये रिडक्शन पढ़ें। अब इसके बाद अब हम लोग लास्ट यानी कि फोर्थ मेथड ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस पे पहुंच गए, दैट इज रिफाइनिंग। कई स्टूडेंट रिफाइनिंग को और कंसंट्रेशन को लेकर के कन्फ्यूज रहता है, कन्फ्यूजन वाली बात भी है क्योंकि कंसंट्रेशन में भी हम इम्प्यूरिटीज अलग करते हैं और रिफाइनिंग में भी इम्प्यूरिटीज अलग करते हैं, लेकिन दोनों जगह पर इम्प्यूरिटीज अलग अलग सब्सटेंस से रिमूव करते हैं। अगर ओर से इम्प्यूरिटीज को अलग कर रहे हैं तब कंसंट्रेशन, और अगर मेटल से इम्प्यूरिटीज अलग कर रहे हैं तो रिफाइनिंग। तो डिफिनेशन लिखते वक्त में ये ध्यान दोगे, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, वाइल द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जैसे कंसंट्रेशन कई मेथड में होता था, अलग अलग ओर के नेचर पर डिपेंड करता था, उसी तरह से रिफाइनिंग भी मेटल और उसके साथ एसोसिएटेड इम्प्यूरिटीज के नेचर पर डिपेंड करेगा। इसमें पहला है ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि इम्प्यूरिटीज को ऑक्सीडाइज कर देना है। जैसे आयरन में कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में, ये बात हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के समय में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कहता है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, इसके जैसा अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो, कार्बन है, सल्फर है, तो जब ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर किसका फॉर्मेशन करेगा, CO2 का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस बन करके बाहर चला गया, यानी पहले ये कार्बन मेटल के साथ में जुड़ा हुआ था एज इम्प्यूरिटी, लेकिन जब इसके मोल्टेन फॉर्म में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो ये बाहर निकल गया। उसी तरीके से अगर सल्फर प्रेजेंट है और यहाँ पर जब ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलेगा गैसेस फॉर्म में, मेटल आपका बचा हुआ रह गया। इक्वेशन नोट करें। डिस्टिलेशन वर्ड हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे एक तो कॉमन सुनते होंगे आप डिस्टिल वाटर। डिस्टिलेशन में करते क्या हैं, जैसे कोई वोलाटाइल मटेरियल है उसको हीट करते हैं, वोलाटाइल उसे कहा जाता है जो हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट करे। जैसे वाटर, आप नॉर्मल वाटर लिए, अब इस वाटर को हीट करो, नॉर्मल वाटर लिए हैं इसका मतलब उसमें बहुत सारे साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। हम लोग जो वाटर पीते हैं यूज करते हैं वो डिस्टिल वाटर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे साल्ट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। तो वो साल्ट प्रेजेंट होता है उसमें, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, अगर आप वाटर को इवोपरेट करेंगे तो उसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स नॉन वोलाटाइल नेचर का वो बचा हुआ रह जाएगा और सिर्फ वेपर बन करके कौन जाएगा, वाटर। अब उस वाटर को दूसरे कंटेनर में ठंडा कर दोगे तो फिर से वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन पहले वाले और बाद वाले में क्या फ़र्क है, पहले वाले में साल्ट और मिनरल्स भी प्रेजेंट था लेकिन अब दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। अब इसे हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं। जैसे इस डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी में,
क्योंकि वहाँ अगर दूसरे साल्ट या मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे तो वह आयोनाइज करेंगे, और आयोनाइज करने के बाद में बाकी के सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग यूज करते हैं लीड स्टोरेज सेल में, उसके आयन के साथ में इंटरेक्शन करेगा। और इलेक्ट्रोलिसिस याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि अगर एक से ज़्यादा आयन प्रेजेंट है तो वहाँ प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग एक टॉपिक ही लिखे थे और पूरा एक क्लास लगाए थे उसी में। अगर आप एबसेंट होंगे, नहीं देखे होंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला वीडियो जाकर के देखिएगा, लास्ट वाला जो वीडियो है आपके ऐप में भी होगा वो, तो वहाँ पर आपको वो नज़र आ जाएगा कि क्या बताए थे उसके बारे में। तो इसलिए वहाँ डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वाटर नहीं, उसी कंसेप्ट को लेकर के मेटल का इस्तेमाल किया जाता है रिफाइन करने के लिए। वैसे मेटल जो वोलेटाइल नेचर के, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम हो, जैसे मरकरी, जैसे जिंक, उनका रिफाइनिंग हम लोग इस मेथड से करते हैं। किया क्या जाता है, इसमें एक कंटेनर में इम्प्योर मेटल को लिया गया। मान लीजिए यहाँ से इनका अरेंजमेंट है, यहाँ इम्प्योर मेटल है, यानी कि मेटल के साथ में इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है इसमें, यह इम्प्योर है। अब जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, यहाँ हीट इनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो अभी बताएं कि मेटल वोलाटाइल है और इसके साथ जो इम्प्योरिटीज है वो किस नेचर का है, नॉन वोलाटाइल। तो मेटल यहाँ से वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, इस जगह पर कंडेंसर बोला जाता है। कंडेंसर में क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फ्रेश वाटर, कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से गर्म होकर के मेटल वेपर के फॉर्म में जा रहा था, और जैसे ही इस जगह पर पहुँचा तो यहाँ पर कोल्ड वाटर सप्लाई किया जा रहा है, तब इसका टेम्परेचर को ये क्या कर देगा, कम। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तब ये वेपर फिर से लिक्विड में या सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, और इस जगह पर इन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही वाटर को भी हीट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट किया और फिर ठंडा करके इसे डिस्टिल वाटर बना लेते हैं। अगर आप लैब में जाओगे तो जिंक मेटल जो तुमको मिलेगा, तो जिंक मेटल मिलेगा जैसे कैंडल वगैरह, कैसे अभी तो दिवाली आ रहा है, आप जलाओगे तो देखते हैं कि उसका वैक्स जो यहाँ पे गिरता है तो गिर करके सॉलिडिफाई कर जाता है, लेकिन बिल्कुल ड्रॉप जैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, चपटा जैसा दिखता है। बस उसी तरीके से यहाँ से जिंक मेटल भी ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटेनर में जमा होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही तुमको नज़र आएगा जैसे जो है वैक्स के केस में नज़र आता है वहाँ पर। बाकी से फिर मेल्ट करके हम लोग दूसरे रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन जिंक ग्रैनुल्स का इस्तेमाल करते हैं बाकी के एक्सपेरिमेंट में, तो वैसे ही तुमको मिलेगा, कोई मोटा ड्रॉप जैसा दिखेगा, कोई पतला दिखेगा, यानी कि वो जो ड्रॉप गिर रहा है जैसे ही यहाँ कंटेनर में आएगा वो सॉलिडिफाई कर जाता है। तो एक लिक्विड फॉर्म जैसे ही गिरने के बाद में सॉलिडिफाई करेगा, तो जैसे वैक्स अपना एक शेप एक्वायर कर लेता है उसी तरीके से ये भी एक्वायर करेगा। तो सिंपल कंसेप्ट क्या हुआ, डिस्टिलेशन प्रोसेस है क्या, इट इज़ द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल विच इज वोलाटाइल इन नेचर बट द एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज आर नॉन वोलाटाइल नेचर। मेटल लाइक जिंक इज रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस। इसमें करते हैं मेटल को हीट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे अगर किसी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट 200 है तो हम टेम्परेचर रखेंगे 202 डिग्री सेल्सियस, तो मेटल जितना है वो वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर कोई लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वेपर में कन्वर्ट कर गया, जबकि इम्प्योरिटीज अभी भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और यहीं वो कंटेनर के अंदर में बचा हुआ रह जाता है। मेटल को यहाँ कंडेंस करके फिर से हम लोग प्योर फॉर्म में ला दिए और इम्प्योरिटीज यहाँ बचा रह गया, रिफाइनिंग ये हो गया। लिखो इस बात को, लिखवाते हैं। डिस्टिलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं और लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं। जिंक को रिफाइन करना था तो वहाँ इस डिस्टिलेशन इस्तेमाल किए, क्योंकि जिंक के साथ में एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिंक का कम होता है, तो इसलिए वो वेपर में कन्वर्ट कर गया। यहाँ हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं और टीन को हम लोग रिफाइन करते हैं इसमें। इसके लिए क्या करते हैं, एक फर्नेस स्लोपिंग हर्थ, इस तरीके से फर्नेस होता है, थोड़ा सा ये पार्ट ऐसे होता है और ये यहाँ इस जगह पे, बाकी का इंस्ट्रूमेंट होता है जिनका हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, 100, 200, 400, 500, जितने टेम्परेचर पर आप डाल दो उतना देर तक वो गर्म रहेगा। एक छोटा सा डिवाइस तो आप भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन,
आयरन का आप टेम्परेचर कपड़े के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं कि अभी किस कपड़े पे हमें आयरन करना है, तो उतने के बाद में ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से इस फर्नेस का भी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कि जिस मेटल को आप रिफाइन करना चाहते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि सिर्फ मेटल ही मेल्ट करे, बाकी कोई दूसरा मेल्ट नहीं करे। ध्यान से देखना, अब अगर यहाँ पर इम्प्योर मेटल ले रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल का कम है और इम्प्योरिटीज का ज़्यादा है, तो इस टेम्परेचर पर मेटल मेल्ट करेगा और जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो नीचे क्या आ जाएगा, बॉटम में यहाँ जमा हो जाएगा इस जगह पर सॉलिड फॉर्म में, और जो मेल्ट करेगा वो यहाँ से मेल्ट करता हुआ नीचे की तरफ में बढ़ेगा और इसे हम लोग यहाँ बॉटम पर कलेक्ट कर लेंगे इस जगह पर। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे अगर डालडा या घी में चावल या दाल गिर गया और उसको आपको सेपरेट करना है, तो सिंपल जो डालडा या घी में चावल या दाल गिरा है उसको आप धूप में रख दो, और गर्मी में जैसे ही धूप में आप रखेंगे पूरा का पूरा घी क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और चावल कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बॉटम में। अब आप ऊपर से कर लेंगे तो घी या डालडा जो अलग चला जाएगा और चावल बैठा हुआ रह जाएगा, क्योंकि वो घी पहले मेल्ट कर गया, चावल मेल्ट नहीं किया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इम्प्योर मेटल को फर्नेस पर डाला गया, अब जो मेल्ट करेगा वो इस स्लोप की वजह से नीचे की तरफ में आ जाएगा और जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो यहीं पर बचा हुआ रह जाएगा। तो इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया और इन्हें अलग कर लिया। बोलो, समझ में आया? अब ये दूसरी बार इलेक्ट्रोलिटिक वार्ड आ गया है। स्टार्ट किए तो वहां पर था इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और यहां अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वहां इलेक्ट्रोलिसिस से मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग कर दिए, और यहां इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल में मेटल के साथ इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। कॉपर को लेकर के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे ध्यान से। जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है, जैसे कॉपर मेटल को प्यूरिफाई करना है, तो कॉपर मेटल का एक थिक ब्लॉक लेते हैं, मोटा सा ब्लॉक लेंगे और इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये आपका इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर कोई भी मेटल ले सकते हैं। जैसे हम कॉपर को रिफाइन करें तो कॉपर लिया, आप एल्युमिनियम को रिफाइन करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम लेंगे, आयरन को रिफाइन करना चाहते हैं तो आयरन लेंगे, उसका थिक ब्लॉक लिया गया। और इसी मेटल का एक पतला सा स्ट्रिप लिया जाएगा, थिन स्ट्रिप, और इसे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, यानी कि ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस में याद करो, कटायन एट कैथोड, तो बताया थे कटायन एट कैथोड और अनायन एट एनोड, तो अनायन पर निगेटिव चार्ज, इसका मतलब एनोड पॉजिटिव, कटायन पॉजिटिव और ये कैथोड पर, तो पॉजिटिव किसके ऊपर डिपोजिट होगा, निगेटिव पर, तो यानी कि कैथोड निगेटिव होगा। वहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये साइन रिवर्स कर जाता है, वहाँ एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये अपोजिट साइड में चला जाता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब इसे डालते हैं हम लोग एक कंटेनर में, और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किया जाता है। जिस मेटल को आप प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी का साल्ट सॉल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ इम्प्योर कॉपर था, ये क्या है यहाँ पर, प्योर कॉपर। तो यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कॉपर सल्फेट लेते हैं, CuSO4। बता सकते हो कॉपर सल्फेट कैसे आयनाइज करेगा, Cu2+ प्लस SO4 2-। Cu2+ SO4 2-, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में आयनाइज किया। अब इसके बाद में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये आपका किस रूप में काम कर रहा है, एनोड, और ये किस रूप में काम कर रहा है, कैथोड। अब एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कैसे होगा, जो देखो, एट एनोड कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में था, इम्प्योर है, ये सॉल्यूशन में चला जाएगा एज कॉपर आयन, Cu2+, और साथ में क्या लिबरेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये इम्प्योर कॉपर है। अब ये कॉपर आयन सॉल्यूशन में गया, और सॉल्यूशन में जाने के बाद में
अब कैथोड पर ये जाएगा, ये CU2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अब ये कहाँ कन्वर्ट कर गया, कॉपर में। किस फॉर्म में अब ये चला आया, प्योर फॉर्म में। डायग्राम को समझो, यानी यहां से कॉपर सॉल्यूशन में गया CU2 प्लस के फॉर्म में, और फिर यहां से ये कॉपर आयन इनके सरफेस पर डिपॉजिट हुआ CU के फॉर्म में, जिसकी वजह से इनका थिकनेस धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इनका थिकनेस बढ़ने लगेगा एंड एट द सेम टाइम इसका थिकनेस वैल्यू जो है वो घटने लगेगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, इनका थिकनेस कम होने लगेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ से कॉपर कहाँ चला जा रहा है, सॉल्यूशन में, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो पर्पस तो हमारा कॉपर ही लाना था, तो यहाँ से कॉपर गया, इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, कॉपर आया डिपॉजिट हुआ। अब इस जगह पर इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होगा वो नीचे में यहाँ पर जमा होगा, इस जगह पर इम्प्योरिटीज यहाँ पर डिपॉजिट होगा, और इस इम्प्योरिटीज को एनोड मड कहा जाता है। मड का मतलब भी क्या निकलता है, कीचड़। तो ये इम्प्योरिटी है वो। अब काम की बात, कई इंडस्ट्री काम क्या करता है, कहता है दूसरे इंडस्ट्री को कि आप कॉपर दे दीजिए हमें, आप उसके कॉपर पायरेट्स ओर से निकाल करके, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिफाइन करके दे देंगे। आप जैसे बोलिए वो, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिफाइन करके दे देंगे। अब यहां पर ये कॉस्ट कैसे कंपनसेट करेगा, कहता है कि यहां जो एनोड मड में है वो कॉपर से लिस्ट रिएक्टिव होने चाहिए मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, कॉपर से लिस्ट रिएक्टिव में आता है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, यानी कि इस इम्प्योरिटीज में सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम एज ए इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। तो ये आपको रिफाइन करके तो दे दिया, लेकिन कीचड़ तो अपने ही पास रखेगा, और उसी कीचड़ में क्या क्या प्रेजेंट है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, उसे वो अलग कर लेगा, तो जितना कॉस्टिंग इसको बैठेगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो वहाँ पर कमा लिया। तो कई जगह पर इसी अनुसार से एसोसिएटेड होते हैं। तो रिएक्शन यहाँ पर ये है, इसको अगर ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गया, देखो यहाँ टू इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ CO2 प्लस, यहाँ CO2 प्लस कैंसिल, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, कॉपर, ये किस फॉर्म में है, इम्प्योर, और जब इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवाए तो अब भी ये कॉपर में ही आया सॉलिड फॉर्म में, लेकिन अब ये किस फॉर्म में आ गया, प्योर फॉर्म। ये वाला रिएक्शन आप लिखो इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।